सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। जेट मॉइस्ट जेल जिसको बनाया गया है केनिग्जा लाइफ साइंस के द्वारा बनाया गया है और 50 ग्राम का ये जेट मॉइस्ट लोशन रहता है जिसका MRP है 315 रुपये, जिसका MRP है 350 रुपीज़। तो ये क्या करता है कि मॉइस्चराइजर करके रखता है स्किन को, नरिशियस स्किन रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एक्ने से, एंटी एक्ने एजिंग इफेक्ट करता है और सूथिंग इफेक्ट रखता है स्किन को। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जीट मॉइस्ट जेल जो कि हेल्प करके रखता है एक्ने से, प्रिवेंट करता है तथा ये फ्री रखता है मॉइस्चराइजर को तथा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट रखता है और नरिशियस स्किन रखता है तथा ये प्रिवेंट करके रखता है एक्ने को, स्किन से हेल्प करके रखता है और स्किन का pH मेंटेन करके रखता है और ये इम्प्रूव करता है रिंकल्स को वगैरह कम करता है। तो इसके अंदर कंटेंट की बात करें, दवाई की बात करें, तो इसके अंदर सोडियम एलुनेट डाला गया है, पेंटोनेट इसके अंदर डाला गया है, निकोटिमाइड इसके अंदर डाला गया है, एलोवेरा जेल डाला गया है, एलेंटोन डाला गया है और विटामिन ई डाला गया है। तो ये हेल्प करके रखती है मॉइस्चराइजर और नरिशियस स्किन को। तो एंटीसेप्टिक रहता है, एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर प्रॉपर्टी रहता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये फाइट करता है। स्किन डिसीज में ये हेल्प करता है और कॉमन स्किन कंडीशन जैसे कि एक्ने, रिंकल्स, ड्राई स्किन में ये हेल्प करता है तथा स्किन को टाइट रखता है और ब्राइट रखता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है और ये हेल्प करता है सूटिंग स्किन रखता है और प्रिवेंट करता है इरिटेशन स्किन और ड्राइनेस से तथा ये प्रोटेक्ट करके रखता है फ्री रेडिकल से और डैमेजिंग होने से स्किन को। तो इसके बारे में कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।